हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वानी। मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर फोन तो लगभग हर रोज लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे फोन लॉन्च होते हैं जो डेफिनेटली हमारे जैसे लोगों की भी इच्छाएं जो है, मतलब ऐसा मन हमारा हो जाता है कि वाह यार क्या कमाल का फोन जो है लॉन्च हुआ है। ऐसा ही फोन जो है लॉन्च कर दिया सैमसंग ने, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A80। ये 29 मई से जो है इंडिया के अंदर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फोन तो लॉन्च हो चुका है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि काफी सारे फोन्स के बाद एक ऐसा फोन आया जिसका डेफिनेटली मुझे भी रिव्यू करने में काफी अच्छा लग रहा है, या फिर मतलब कि अपने जो स्पेक्स वगैरह बताने में या डिटेल बताने में मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। क्या कमाल का एज टू एज डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर किसी भी तरीके की आपको नॉच नहीं मिलने वाली है, चाहे वो डॉट नॉच हो, छोटी मोटी कोई भी नॉच नहीं है। बिल्कुल आपको पूरा कैनवस मिलने वाला है। एच टू एच डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। इवन जो ईयर पीस है वो भी आपको, जो आवाज़ है वो स्क्रीन में से आने वाली है। तो काफ़ी कमाल धमाली टेक्नोलॉजी होने वाली है। और डेफिनेटली जब आप इस फोन को यूज़ करेंगे तो पूरा स्क्रीन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गेमिंग में या वीडियो में हर जगह पे आपको कमाल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर पूरी स्क्रीन जो है मुझे मिलने वाली है तो कैमरा कहाँ पर है, तो इसके अंदर जो रियर कैमरा है वही आपका फ्रंट कैमरा है। मैं वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से आपको बहुत ही कमाल धमाल जो है सेल्फीज़ और मेन कैमरा मिलने वाला है। नॉर्मली दोस्तों होता क्या है, ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर जो मेन कैमरा है वो पीछे की तरफ होता है और उसकी परफॉर्मेंस जो ज़्यादा अच्छी होती है। सेल्फी कैमरे इतने अच्छे नॉर्मल फ़ोन्स के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन इस फोन ने वो कमी दूर कर दी है। 48 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल और एक 3D डेप्थ आपको जो है कैमरा मिलने वाला है। और जैसे ही आप फ्लिप करते हैं सेल्फी की तरफ, वही कैमरा रोटेट होकर आपका सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली क्या होता है ना, जब मुझे लाइव जाना होता है या फिर फ़ोन को जब मैं यूज़ करता हूँ या फिर वीडियो भी बनाता हूँ, तो नॉर्मली मैं तो सेल्फी कैमरा ही जो है वो यूज़ करता हूँ। ऐसे पकड़ लेता हूँ, नॉर्मली मैं तो सेल्फी कैमरा ही यूज़ करता हूँ। और अगर मुझे सेल्फी कैमरे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलनी है, इवन मतलब जो सैमसंग की जो S10 सीरीज़ जो गैलेक्सी जो सीरीज़ है, सेम फीचर लगभग आपको मिलने वाले हैं। मतलब स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन या 4K वीडियोस, इवन जो 3D डेप्थ सेंसर है वो AI में भी आपका काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो कमाल का ये आपको एक्सपीरियंस देने वाला है। हाई डेफिनेशन 4K वीडियो भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सेल्फी कैमरे से। तो अगर आप यूट्यूबर है या फिर आप घूमते हैं मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो यार इससे बढ़िया कैमरा मुझे नहीं लगता होने वाला है। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, स्टाइलिश होना किसको अच्छा नहीं लगता यार। जिस तरीके की जो फ्लैगशिप फ़ोन है जो S10 की सीरीज़ है, उससे भी ज़्यादा स्टाइलिश मैं मानता हूँ A80 का जो ये फ़ोन आया है उसको। जैसे आप फ्लिप करते हैं, मैं बार बार ही आपको इसको दिखाने की कोशिश करूँगा जो वीडियो है उसके अंदर ही, किस तरीके से हाउ स्टाइलिश इज दिस, कि आप फ्लिप करते हैं और आपको कैमरा ऐसे फ्लिप होकर सामने आ जाता है। हालांकि दो दो मोटर्स काम करती है, एक तो रोटेटिंग मोटर इसके अंदर काम करेगी, दूसरा एक जो फ्लिप करने वाली जो मोटर है वो इसका काम करेगी। तो डेफिनेटली वो देखने वाला बात होगा कि ये मैकेनिज्म जो है कितना सक्सेसफुल हो पाता है, लेकिन सैमसंग जैसे ब्रांड के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो लाइव फोकस आपको मिलने वाला है और ये वीडियोस के अंदर बहुत काम आएगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट कह सकता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है, जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो एक नंबर होने वाली है, और जो स्टाइल है वो भी बहुत दमदार होने वाला है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। तो ये भी आपकी सिक्योरिटी को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, साथ ही आपके टशन को भी ज़रूर बढ़ाने वाला है। तो लुक वाइज, स्टाइल वाइज, परफॉर्मेंस वाइज डेफिनेटली एक एज लेके जाने वाला है। और अगर ये 30,000 के नीचे लॉन्च हो गया, जिसकी उम्मीद है पूरी कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल जो है वो 29,990 रुपये के अंदर लॉन्च हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा आप वेट कीजिएगा। अगर आप कोई फ्लैगशिप फ़ोन खरीदने का प्लान कर रहे थे तो 1-1.5 महीने वेट कर लीजिएगा, डेफिनेटली ये फ़ोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बात कर लेते हैं इसकी बाकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इसके अंदर आपको 3700mAh की बैटरी मिलने वाली, जो कि काफ़ी मतलब AI मतलब इनेबल्ड बैटरी है, तो ये देख लेता है कि आपका नॉर्मली यूज़ क्या है। साथ ही 25W का आपको सुपर फास्ट चार्जर मिलने वाला है USB टाइप सी के सपोर्ट के साथ। तो ये भी अपने आप में एक एज है 25W का चार्जर होना। एक चीज़ है कि इसके अंदर आपको 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आजकल ज़्यादातर बड़े ब्रांड जो है वो इसको अवॉइड करना शुरू कर दिया है 3.5। मेरे को रीज़न नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी अवॉइड कर रहे हैं। टाइप सी आपको चार्ज मिलने वाला है। फ़ोन आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड 9 के साथ, और साथ ही सैमसंग का वन UI का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। 3 कलर इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो गोल्ड कलर देखने को मिलेगा, एक वाइट जिसे गोस्ट वाइट बोलते हैं, और एक ब्लैक कलर आपको देखने को मिलने वाला है। मुझे वाइट कलर जो है काफ़ी पसंद आया, काफ़ी प्रीमियम लुक ये दे रहा है।
फोन की लुक एंड फील डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल की है और कमाल धमाल ये फोन होने वाला है। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है, शायद इस फोन को मैं जरूर, शायद या जरूर मैं हटा देता हूँ, जरूर मैं इस फोन को लेने वाला हूँ और आपको देने वाला हूँ इसका इन डेप्थ रिव्यू फॉर श्योर। तो मुझे काफी इंतजार है इस फोन का, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मैं ऐसे वीडियो डेली आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों मैं प्लान कर रहा था कि मैं टेक न्यूज़ जो है वो स्टार्ट करूँ और टेक न्यूज़ का थोड़ा सा मेरा अंदाज जो है वो दूसरा होगा क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ अलग से हटके प्लानिंग करी है। अगर आपको भी मेरी तरह है इस टेक न्यूज़ वाले चीज़ के अंदर काफ़ी दिलचस्पी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, डेली टेक न्यूज़ मैं आपको दूंगा और फिर तो यार काफ़ी मेरी जो है ड्यूटी बढ़ जाएगी आपके लिए क्योंकि दो वीडियोस मुझे डेली के देने पड़ेंगे। तो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, नीचे लिख के बताइएगा क्या आपको चाहिए डेली टेक न्यूज़। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।